हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब 50 मंत्रा। मैं सनी पौंसले बहुत बहुत स्वागत करता, वेलकम करता। सब तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं थोड़े नाल साझा कर लग्या, वो है जी साड़ी फ्री इनिशिएटिव वीकली शेड्यूल नूं लैके जिहड़ी आपां गल करन लग्गे आ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखियो, जे आपां पंजाब एंटी रिविजन की गल करिए, तुहाडा 11 बजे बैच है बैठा मॉर्निंग 11 AM। डेली करंट अफेयर इशू फॉर PCS, पीसीएस के 12 बजे योगेश सर, आशीष सर, कीर्ति मैम, अकृति मैम, भुपिंदर सर, विशाल सर ये लैक्चर लेंगे। उदो बाद पास्ट 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज रिविजन सीरीज दिन से 1 बजे है। लंच करो तो नाल दी नाल ये भी देखते रहो, ठीक है। उदो बाद डेली 10 MCQ रिविजन फॉर PCS, ये ताड़ा अपना बैच है जी 2 बजे। ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज जी देख रहे आप, संदीप सर, सनी सर, मैं, योगेश सर, भुपिंदर सर, विशाल सर थोड़े नाल डिस्कस करेंगे। तो डेली 5:15 बजे शामी योगेश सर थोड़े नाल करंट अफेयर साझा करेंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जी मैं दसी है। तो सवेरे तो लेके शाम तक पंजाब सक्सैस मंत्रा के नाल जुड़े रहो, से अपने सिलेक्शन नू पक्का करो, क्लियर है। तो प्लीज इधर मैं साइड हो जाता है, इधर बेटा तुम स्क्रीनशॉट ले लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से ये भी जी आप हूँ की है, क्लियर है। तो चलो चलते हैं अपने अज के लैक्चर की तरफ। लास्ट जो आप बेटा पटवारी का पेपर डिस्कस किया, उदो बाद बड़े सारे बच्चों ने कहा कि सर सीरीज के क्वेश्चन लैके आओ, नंबर सीरीज आप डिस्कस करनी है डेप्थ च। तो अज नंबर सीरीज के बहुत ही तगड़े क्वेश्चन लैके आया मैं थोड़े वास्ते, क्लियर है। चलो चलते हैं क्वेश्चन से। तो नंबर सीरीज, चलो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। 132, 153 आज अपना क्वेश्चन मार्क भाई जी के बारे में दसना है, 210, 240 272। ऑप्शन ने 196, 182, 199, 204। बेटा देखो जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन तुसी करने हैं, सब तो पहला स्केयर टर्म नू चेक करना है, ठीक है। देखियो जे मैं गल करा 132, 156 आ नंबर बेटा मैं कढ़ना है, नेक्स्ट इज 210, फिर 240, फिर 272। डन। देखियो जदों भी आप देखांगे सीरीज नू चेक करो स्केयर क्यूब के ना तो कोई नंबर है, तुहानू हुणे स्केयर दिख नहीं रहा होना, बट मैं कुछ गल दसांगा उदो सैकेंड पार्ट से मैं दसूंगा स्केयर पूरा पूरा दिखूगा। ऑप्शन दिते हैं, ऑप्शन भी ठीक है। चलो देखो जो मैं गल करा कि इनू मैं 11 × 11 पर जमा 11 लिख सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्लियर है। इनू की लिख सकते आप 11 × 11 प्लस 1 नहीं, इनू 11 × 12 ही लिखो तुम हूँ, क्लियर है। इनू लिखो तुम 11 × 12। नेक्स्ट नंबर कितना बेटा 12 × 13, 156 होता बिल्कुल होता है। जे 11, 12, 12, 13 की सीरीज है तो ए नंबर की होना चाहिए अपना 13 × 14, वह कि बेटा 182। तो जे मेरा 182 सीक्वेंस सही बैठ रहा है तो नैक्सट नंबर की होना चाहिए अपना 14 × 15, बिकॉज 14 × 15 अपना कि 210। इज दैट क्लियर। 14 × 15 कितना होता बेटा 210। नेक्स्ट देखो जे नंबर सही है तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए 15 × 16, तो 15 × 15 225, तो 15 कितना होना चाहिए 240, तो 16 × 17 की जो मैं गल करा वह कितना होता 272। तो 182 मेरा बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है। देखो ये तो नेचुरल सीक्वेंस की सीरीज आ गई, इन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 11 × 11 जिहड़ा मैं शुरू च लिखिया सी हुण तुहानू दिख गया होना भी स्केयर सर की कहना चाहुंदे। नैक्सट की है बेटा 12 × 12 फिर 13 × 13 फिर 14 × 14 फिर 15 × 15 फिर 16 ×16। तो ये बेसिकली एक स्क्वेयर सीरीज की नंबर सीरीज थी, बट इनू रेगुलर सीरीज भी आप कह सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर भी दोवां तरीके तो मेरा बिल्कुल सही आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, भाई इस सीरीज नेक्स्ट नंबर केड़ा है।
छेती करो थोड़े को है 10 सेकंड प्लीज करो 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 भाई मैनू की देख दो मैं तो कराई देना बेटा तुसी भी कर लो चलो छेती करो छेती शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया देखो जे मैं गल करा 21, 77, 165, 285 ते आपां कढ रहे बेटा नैक्सट नंबर हुण ध्यान नाल बेटा मेरी गल सुणियो जे मैं गल करा कि 21, 77, 165, 285 बेटा मैनू गल दसो इन्हां चों सारे नंबर च कॉमन की है जे मैं गल करा आपां नूं सीरीज च कॉमन ही लभना पैंदा है लभना हुंदा आपां कॉमन नंबर जे आपां कॉमन दी गल करिए तां जे मैं गल करा ए भी स्केयर या मैं गल करा 17 दे स्केयर तों 4 छोटा है क्लियर है ये किन्ना है ये 13 दे स्केयर तों 4 छोटा है आखिए बेटा आप 9 दे स्केयर तों 4 छोटा है तो आ किन्ना है आप 5 दे स्केयर तों 4 छोटा है देन तां ये सारे नंबर एक स्केयर टर्म हैगी है पर्टिकुलर जिहड़ी सीक्वेंस आ रही है वो तो 4-4 नंबर छोटे ने क्लियर तो जे मैं गल करा 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 4 किन्ना हुआ बेटा 21 यानी 21 का स्केयर माइनस ऑफ 4 यानी 441 माइनस 4 ते 437 ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का ते बहुत लाजवाब क्वेश्चन थी सारे क्वेश्चन इस तरह के आज एक तो बद के एक क्वेश्चन है बेटा तुहाडे वास्ते चलो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दे चलो 13, 19, 37, 141, 243 करो जरा इस क्वेश्चन देखो दो तरह की सीरीज होंदिया ने एक तो डिफरेंस वाली सीरीज होंदी है एक डिफरेंस ऑफ डिफरेंस डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखो इतने तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये बिकॉज इससे कुछ नहीं पता लग दूंगा शुरू से 13, 19, 37 आ गया जी क्वेश्चन मार्क 141 से 243 डन देखो जे मैं गल करा 13, 6, 19 होंगे तो 19 से 18, 37 होंगे जे आप गल करिए माड़ी जी तो इतना डिफरेंस किन्ना 102 बिकॉज जे एक सीरीज होर होंगी मैं वैल डिफाइंड सीगा और बीच आ गया बई वर्ड सानू पता नहीं है जे मैं गल करा कि बेटा 12 हो रहे तो इस भी 12 होना चाहिए जे मैं गल करा 12 से 30 तो किन्ना हो गया 67 हो गया जे मैं गल करा फिर 12 ऐड होना चाहिए आ किन्ना हो गया 42 बट 42 से 60 मेरे 141 तो होंगे नहीं तो ये मेरी डिफरेंस की सीरीज होगी सरासर गलत क्लियर है ए सीरीज में इसलिए करके दिखाई बिकॉज मैनी ऑफ यू विल आस्क कि सर बी आंसर क्यों नहीं है तो क्वेश्चन जो और तक कुछ दिख नहीं रहा किदा करूंगे अपना ठीक है चलो देखते हैं इस क्वेश्चन बहुत डेप्थ नाल देखेंगे बेटा इसमें बहुत कई क्वेश्चन डिस्कशन वाले होंगे ये उन्होंने ही है चलो तो देखो जे मैं बेटा ध्यान नाल गल करा जे आप इधर डिफरेंस लेना हो जे मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेना हो मैं की ले सकता तुसी सोच के देखो देखो मैं पता चलेगा 60 मेरा आंसर हैगा ही नहीं ठीक है यह नंबर 37, 37 से 58 कोई डिफरेंस नहीं आ रहा जे मैं देखा जे मैं इधर 75 पुट करके देखा देन जे मैं इतने लिखा 75 तो 75 किन्ना हो गया इतने किन्ना आ गया बेटा 38 आ गया इदा मतलब डिफरेंस किन्ना है आ किन्ना हो गया 12 आ किन्ना हो गया 20 तो इदा मतलब अल्टीमेटली जो मेरे डिफरेंस आ रहा डिफरेंस और डिफरेंस डिफरेंस आ रहा मेरा क्लियर है तो इधर किन्ना आना चाहिए बेटा 28 तो इदा मतलब इधर किन्ना होगा फिर 66 मतलब इधर प्लस 66 वेट अ मिनट इन थले लिखना पा प्लस 28 बिकॉज इधर भी 8 आना चाहिए तो यह किन्ना हो गया प्लस 66 हो गया तो 75 से 66 किन्ना हो गया 75 से 66 किन्ना हो गया 7, 6, 13, 6, 5, 11, 141 हो गया बिल्कुल सही अपना बिल्कुल सही आया है डन तो मेरा 75 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का तो इस क्वेश्चन से जेड़े क्वेश्चन से ना समझ आवे तुसी ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत तगड़ी चीज है बेटा इस क्वेश्चन से क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 312
की करना की अपना व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 312 231 295 क्वेश्चन मार्क 282 257 तो ऑप्शन ने बेटा 210 25 240 25 नहीं 250 होना चाहिए देख 20 मिनट हो सकता है बेटा कई बार 246 से 279 छेती करो इस क्वेश्चन प्लीज डू दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है करो शाबाश चलो जाते तुसे ट्राई करो अपन करते हैं 312 231 295 अपन लभना है बेटा 282 से 257 जे बेटा तुसी ध्यान नाल इस क्वेश्चन नु देखो जे अपन ध्यान नाल इस क्वेश्चन नु देखिए देखो इधर की हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है डन फिर इधर कुछ ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली जो मेरी सीरीज सही है तो इधर माइनस होना चाहिए फिर इधर प्लस होना चाहिए फिर इधर माइनस होना चाहिए इज दैट क्लियर ये साड़ी ऑल्टरनेट प्लस माइनस की सीरीज कहते हैं ऑल्टरनेट साइन सीरीज देखियो जे मैं दोस्तों 312 से 231 कढ़ा 69 से 12 कितना हो गया अपना 81 हो गया 81 एक स्केयर नंबर है देख दिया कि नेक्स्ट एक कर भी रहे नहीं कर रहे 231 से अपन किन्ने जोड़िए कि अपना 295 आ जाए अपना 64 जोड़ दीजिए बिल्कुल इधर मतलब माइनस 9 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर उस बाद क्या होगा 7 का स्केयर माइनस 49 आना चाहिए यानी माइनस 7 का स्केयर तो जे आप 295 च 49 कटा तो कि होगा 246 246 जे 246 सही है तो प्लस किन्ना होने 36 यानी 6 का स्केयर 246 जब आप 36 ऐड करांगे प्लस 36 ऐड करांगे तो कितना आना चाहिए 282 जो कि अपना आ रहा है 246 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थी बेटा है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा पढ़ दिया चलो फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज 1, 3, 10, 41 206 ऑप्शन से 1237 897 987 से 1007 करो बेटा इस क्वेश्चन प्लीज प्लीज ट्राई करो इस क्वेश्चन हाँ वेट कर रहा मैंने नहीं कराने लग गया बेटा कोई ना ले लो दूसरे टाइम 10-15 सेकंड का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाँ हाँ सारे इंपॉर्टेंट है मैं क्या बता दसता रहा बेटा सारे इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन आप पूछो सर किड़ा किड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूछो सर किड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है सारे इंपॉर्टेंट है बेटा चलो देखियो सीरीज की दी है 1, 3, 10, 41, 206 क्लियर आप देखो जदों तुसी पहले 2-3 नंबर देख रहे हो कुछ लग रहा है पता जे मैं गल करा किन्ना है 41 × 5 × 1 आ किन्ना है 10 × 4 × 1 आ किन्ना है 3 × 3 × 1 आ किन्ना होया 1 × 2 × 1 ता 2, 3, 4, 5 ता किन्ना हो गया 206 × 6 ते जमा एक सबसे ऐड हैगा तो 1236 × 1 आंसर इस ऑप्शन नंबर है 1237 बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन सीगा बट लॉजिकली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इतना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए इज दैट क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीक्वेंस 101, 98, 93, 86, 75 ते क्वेश्चन मार्क ऑप्शन दिता है 62, 68, 71 ते 73 ते मैं चाहूंगा बेटा सारे के सारे बच्चे जिन्हें जुड़े हैं साडे नाल इस क्वेश्चन नु करन ते फटाफट कमेंट भी करन जल्दी तुहाडे लाइक शेयर ते कमेंट्स बतानगे वीडियो कितनी चंगी सीगी क्लियर है होपफुली पिछले लेक्चर भी पसंद आए थे तो इस ते भी बड़ा मजा है आएगा तुहानू देखो ये बेटा 101 98 93 86 75 ते आज ही अपना क्वेश्चन मार्क डन देखो
जे मैं गल करा कि हो रहा है, सारे के सारे देखो माइनस हो रहे हैं। जे आप गल करिए सारे के सारे माइनस हो रहे हैं, क्लियर। तो देख लेते माइनस भी कितनी सीरीज हो रही है, कितना हो गया बेटा माइनस थ्री, जब मैंने देखिए माइनस पांच, इन्हें देखिए कितना हो गया चार दिन सात माइनस सेवन, आगे ना हो गया पचहत्तर पांच छह माइनस ग्यारह। नेक्स्ट नंबर दसो कितना होगा, नेक्स्ट नंबर दसो कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिकॉज सारे दे सारे नंबर आप अभाज्य संख्या है ने, ये सारे दे सारे बेटे प्राइम नंबर है साढ़े को, तीन पांच सात ग्यारह तो दो बात किया ना तेरह, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए 62 है, प्राइम नंबर सीरीज है अपनी, ये साड़ी प्राइम नंबर सीरीज इज द क्लियर, ये बेटा अपनी प्राइम नंबर सीरीज, ध्यान रखियो। चलो छेती कैड करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, होपफुली नोट कर लिया होना, स्क्रीनशॉट ले लिया होना तुम्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर इन द नंबर सीक्वेंसेस 22 11 33 16.5 49.5, नेक्स्ट बताना है। ऑप्शन बड़े बढ़िया देते हैं, मैंने बड़ा मजा आता है इस तरह के क्वेश्चन, जब कैलकुलेशन आ जाते हैं ना क्वेश्चन, मैंने बड़ा ही मजा आता है, तो थोड़ा भी हम मजा आने लग गया होना मेरे न। 24.75 41 33.5 तो 26.75, करो छेती 20 सेकंड थोड़े को, करो करो छेती करो छेती, बहुत बढ़िया आंसर दसो इस क्वेश्चन का कितना। देखो बेटा मैं लिखदा तुसी करो, 22 11 33 16.5 49.5 ते नेक्स्ट नंबर अप करना, मजा आ रहा है जी यार, सोने नहीं जोर नाल बोलो मजा आ रहा है, हाँ इदा यार आवाज आऊगा ना तो मैंने पता लगूगा, पूरे अपने चैनल को पता लगूगा कि भाई तुसी मजे ले रहे हो लेक्चर से, भाई तुहानू समझ आ रहा है। चलो बेटा हुण ध्यान नाल देखो इस क्वेश्चन नूं आपां किस तरह अटैम्प्ट करना है, जे मैं ध्यान नाल देखा जे आपां 22 नूं दो दे नाल डिवाइड कर दिए 11 होगा, 22 नूं दो दे नाल डिवाइड करते 11 होगा, डन। ते 11 नूं आपां जे 3 नाल मल्टीप्लाई कर दिए 33 होगा, आना भी चाहिए 22 बटा 2 11, 11 गुणा 3 33, फिर जे आपां इहनूं दो नाल डिवाइड कर दिए 16.5 आऊगा कि नहीं आऊगा, हाँ जी बिल्कुल आऊगा। नेक्स्ट देखो जे आप इदा मतलब पहला डिवाइड हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है फिर कितना नंबर आ गया हूं मल्टीप्लाई का, तो कितना होगा बेटा 16.5 गुना ऑफ 3 तो 16 गुना 5 गुना 3 कितना होंगे 49.5 ही होंगे, तो हूँ की करो इनू डिवाइडेड बाय 2 कर दो कितना होगा 24 पॉइंट अपना 75 24 दिनों 48.75 गुणा तो डेढ़ तो कितना आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे बढ़ते हैं, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस, प्लीज ट्राई दिस, करो ट्राई, शाबाश 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 शाबाश, ट्राई करो, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाइज, मैं देख रहा है लेक्चर नूं छेती छेती जेड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं, छेती 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 प्लीज दसो मैं आंसर कितना अपना। एक दो छे 21 88, नेक्स्ट देखना जी कितना 445 364 296 ते 194, देखो एक दो छे 21 88 तो नेक्स्ट नंबर आपां भाई पता नहीं किन्ना फिर डन। हुण बेटा ध्यान नाल देखियो आपां करना की है, जे मैं करां गल देखो 1 2 6 बड़े क्लोज दे नंबर है, कोई रिलेशन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, बट जे मैं गल करा इन्हां तीन नंबरां दी कि 21 गुणा 4 जमा 4 88 हुंदा, 84 जमा 4 88, क्लियर है। जदों भी रेगुलर नंबर से पहले दो तीन टर्म से जो ना पता लगे नैक्सट की टर्म से तुम कोशिश करो अपना रिलेशन लभन की, मैं उही किया इस क्वेश्चन से, मैंने तो पता है मैं तो सॉल्व किया बट तुहाडे लई दसन लगे मैं स्पेशली ये ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन करन दी, ठीक है। नैक्सट देखो किन्ना जे मैं गल करा 6 गुणा 3 जमा 3 18 तो 3 21 हो गए हैं, नैक्सट किन्ना करोगे बेटा 2 गुणा 2 जमा 2 आ कितना हो गया 1 गुणा 1 जमा 1
तक जिन्ना गुणा उन्ना ऐड तो आ कितना हो गया 88 गुणा 5 जमा 5 8 5 40 440 जमा 5 आंसर कितना हो गया बेटा 445। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बढ़ते हैं। चलो अपन चलो बेटा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक आउट द मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द क्वेश्चन मार्क 6:2:2 प्रोपोर्शन 25:- ऑप्शन है 650 15:625 15:650 15:600 छेती 10 सेकंड अभी अपने को। चलो 15 सेकंड ले लो, काट है 15.5 ले लो यार, और 10 याद करोगे सन्नी सर नाल पंगा ले आए। चलो करो बेटा क्वेश्चन, शाबाश बहुत बढ़िया करो, शाबाश वेरी गुड। स्टिल वेटिंग फॉर रिप्लाईज, दा तुम्हारे रिप्लाई की वेट कर रहे हैं मैं नाल दी नाल। चलो चलो शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। चलो तुसी करो जब तक मैं सॉल्व करदा इन। देखो बेटा जे मैं 6 की गल करा पहला 222 दे नाल किद्दां ए रिलेशन च हैगा। जे मैं गल करा 6 दा क्यूब जमा 6 यानी 216 जमा 6 किन्ना हुंदा है 222। इदा मतलब इदे वास्ते तुहानूं कितना आना चाहिदा 25 दा क्यूब पता होना चाहिदा। तां देखो यानी 25 नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा 25 दा क्यूब जमा 25 का क्यूब जमा 25 तो 25 का क्यूब कितना होता है 15:625 जमा 25 15:650। ऑप्शन नंबर केड़ा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? द नौ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अपने को हो चुके ने। अपन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फाइंड द नेक्स्ट नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कैटेगरी जो है जी दो बार इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि देते हैं फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज 10 6 8 ते 15 ते नेक्स्ट अपना क्वेश्चन मार्क जेड़ा अपन फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो बेटा कि देते हैं 10 6 8 15 ते क्वेश्चन मार्क जेड़ा अपन करना है क्वेश्चन। क्लियर? देखियो जे बेटा मैं गल करा 10 6 8 15 जी अपन डिफरेंस देखिए डिफरेंस भी कोई नहीं बढ़ रहा, नंबर छोटे हो रहे ने बड़े हो रहे छोटे हो रहे बड़े हो रहे ने 10 की दे आसपास दे भी कोई नंबर नहीं बन रहा। तो जी मैं गल करा अब की कर सकते हैं, देखो मैं 10 पे जाना 6 पे मैं इधर कर सकता 10 गुणा 0.5 प्लस 1 सोच के देखो 10 तो आधा करके जोड़ दिए। अपन नेक्स्ट ला के देखते हैं कि सीरीज बन पैंदी है। जे मैं 6 की गल करा जे मैं 6 की गल करा 6 गुणा 1 जमा 2 5 तो 2 गुणा हो गया, ये भी 2 गुणा हो गया। ठीक है तो नेक्स्ट ही करा अपन 8 गुणा 1.5 जमा 3 आगे ना हो गया 12 जमा 3 15। नेक्स्ट कितना होगा बेटा 15 गुणा 2 जमा 4 आ कितना हो गया अपना 30 और जेड़ा अपना ऑप्शन नंबर ए दिता है। क्लियर है? तो ए बहुत लॉजिकल बड़ी मतलब डिफरेंट जी सीरीज सी जिस पॉइंट च आ रहे हैं। ठीक है डाटा चलो नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी पानी पी लिया अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की देते हैं फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज 2 3 7 16 32 ऑप्शन है 49 52 54 ते 57। करो बेटा इस क्वेश्चन को करो छेती करो 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 बहुत बढ़िया बढ़िया। मैंने पता तो मजा आ रहा है बट और मैनू मजा आऊगा मैनू मजा ज्यादा आऊगा जब तुम्हारे सिलेक्शन हो जानी है लेटर लेके आऊंगा सर आपस सिलेक्ट हो गए हैं। क्लियर है? चलो 2 3 7 16 32 किदा करोगे भाई छेती करो। देखो 2 3 7 16 32 ते क्वेश्चन मार्क देखियो 1 4 9 16 इदा मतलब की है। हुण मैनूं पता है तुहानूं पता लग गया तां आंसर आ चुके है
एक दस केयर, दो दस केयर, तीन दस केयर, चार दस केयर, आप बेटा किन्ना होना है, पांच दस केयर आ किन्ना हो गया अपने को, तो प्लस 25 कर दो, तो आंसर है 3 2 5, 5 2 7, 57। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज मार रहे हैं कि भाई मैंने भी सॉल्व कर लो, कर लेने हैं। चलो फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीक्वेंस, 4 15 37 81। ऑप्शन है 196, 169, 144 एंड 121। सही करो, करो शाबाश शाबाश, क्वेश्चन करो मेरे वाल की देख रहे हो। टी शर्ट मेरी बढ़िया लग रही है। हाँ मैं ना क्या है मेरे स्मार्ट लगता है, मैंने पता है मम्मी तो कड़ा टिक्का लो आ गया है मैं, पता है। चलो करो और क्वेश्चन हो, ठीक है? चलो मजाक ठीक है, चलो क्वेश्चन करो बेटा। कितना है आंसर दोस्तों? छत्तीस छत्तीस छत्तीस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 15 37 81 थे नेक्स्ट नंबर। क्लियर? देखो जे मैं 4 की गल करा ते 4 जमा 11 15, ते 15 ते 37 की गल करा जमा 22 10, जे मैं गल करा 37 चो 81 किदा जा सकता, तुसी कहोगे सर 44 ऐड कर दो, इदा मतलब 11 दुनी 22 22 दुनी 44 44 गुना दो प्लस 88 का कितना हो गया 18 16 169। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे बढ़ते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट नंबर, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। प्लीज थोड़े को 15 सेकंड है, इतना ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, छेती करो, पूरे 15 सेकंड देवांगा। हाँ हाँ दे दवांगा, मैं पता। हाँ यार गल तो सुन लो मेरी। अच्छा दिते मैं 15 सेकंड करो, चलो दिते मैं पूरे 15 सेकंड दिते करो, 5 सेकंड तो आप बच्चे की गल खत्म करते हैं। चलो शाबाश करो। चलो उन टाइम हो गया ना 15 सेकंड पूरे। चलो 8 11 19 23 32 क्वेश्चन मार्क। हूँ बेटा ध्यान ना सुनो मेरी गल की है। देखो जे आप गल करिए, अपन ऐड करके देखो जरा, 8 3 11 11 प्लस 8 हो गए ने, प्लस 4 हो गए ने, प्लस 9 हो गए ने। देखो कोई मतलब कोई तुक नहीं बन रहा, जब आप गल करिए ना, देखो 3 8 4 नौ, कोई तुक नहीं बन रहा। हूँ देखो जरा ध्यान, एक होंगी ऑल्टरनेट सीरीज, एक होंगी बेटा अपने को ऑल्टरनेट सीरीज। क्लियर है? ये उसी का क्वेश्चन है, ध्यान नाल देखो। जदों भी इदा का क्वेश्चन आए कि कोई सीक्वेंस ना बन रही हो, एक नंबर छड़ के दूजा नंबर चेक करो। जिदा जब मैं 8 से 19 से देखा तो 11 हो गया डन, और जब मैं 11 से 23 जाना चाह तो 12 ऐड करता आप, ठीक है? फिर 19 के उत्ते आप 32 की गल करिए, प्लस कितना आ गया, प्लस 13 आ गया, तो 11 12 13 नेक्स्ट क्यों होना चाहिए? हाँ जी यार सुन यार जोड़ना क्यों है, बिल्कुल सही 14, तो नेक्स्ट नंबर क्यों होना चाहिए? 23 प्लस 14 अपना कितना आ गया बेटा 37। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं है। अच्छे चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे बढ़ते अपना। चलो फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। अपन ने सीरीज दी थी 118 168 190 202 208। ऑप्शन दिते हैं 211 222 233 244। प्लीज करो इन्हू करो करो शाबाश करो, छेती करो बेटा छेती प्लीज। चलो देखते हैं हूँ, एक क्वेश्चन सब का सॉल्व होना चाहिए सी। 118 166 190 202 208। क्लियर? देखो जरा ध्यान ना, जब मैं गल करा ये रेगुलर इंटरवल से बदन वाली सीरीज है बेटा, सारे नंबर ऐड हो रहे हैं कुछ ना कुछ, कोई सीरीज बने ना बने। देखो जरा जे मैं 118 चो
104 से 118 कटना था, 48 होगा, मतलब 48 ऐड करना पड़ना है, 106 4 70 प्लस 24 190, फिर 202 कितना हो गया, प्लस 12 करना पड़ना है, 202 तो 208 कितना हो गया, प्लस 6 हो गया, 208 है। अब देखो नेक्स्ट नंबर कितना लगूंगे पाप, जब पता है ना, देखिए ए डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है बेटा, ए बी डिवाइडेड बाय 2 हो रही है, ए बी डिवाइडेड बाय 2 हो रही है, तो ए बी डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, तो प्लस क्या होना 3, तो आंसर कितना आ गया 211। इज दैट क्लियर, तो बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन सीखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आधे सारे क्वेश्चन रिलेटेड है मैंने पता है, ये पता लग रहा होना सीरीज का है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा बढ़ते हैं बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, 256-190 160-148-131। ऑप्शन देते हैं 165, 219, 136, 216, ठीक है, ये अपने को ऑप्शन देते हैं जेड अपना देखने हैं, क्लियर। चलो चलो टाइम देना 10 सेकंड 15 सेकंड करो नॉमिनल, बढ़िया करो शाबाश बेटा, बहुत स्टैंडर्ड चैनल से पढ़ रहे हो तुम, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपने आप बनता है, क्लियर है, असी फ्री इनिशिएटिव लिया है तो आनू बहुत कुछ कराऊंगा, क्लियर है। चलो हाँ उसका स्क्रीनशॉट ले लियो पक्का, तो टाइम टू टाइम लैक्चर देखने पे, तुम पीसीएस तक के लैक्चर मिल रहे हैं बेटा, तो पीसीएस तक सोचो सोचो। चलो देखते हैं क्वेश्चन 256-190-160-148-131, क्लियर। देखियो जो भी इधर तो अपन देखा 256 नेक्स्ट नंबर, हूँ नेक्स्ट नंबर तो है ही नहीं, तो पर्टिकुलर सीरीज फाइंड करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो जो फ्रंट चो पता ना चले बैक से शुरू कर लो, इधर मतलब इतना देखो 131 जमा कि 17 148 जमा कि 19, डन बिल्कुल, उस बाद 160 जमा 23, देखो 17 19 4 23 था कि होना चाहिए बेटा 6, फिर आप क्रॉस चेक करूंगे यानी प्लस 29, ताकि बन रहे कुछ बिल्कुल 219 आते रहे, बट फिर भी आप लेक्स नंबर क्रॉस चेक करूंगे 219 आ रहे हैं, तो जी आप 8 ऐड करिए तो किन्ना और जाना है प्लस 37, तो 219 जमा 37 किन्ना होता है 256 ही होता है, क्लियर, तो ये प्रूफ हो गया, तब बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है, तो 219 सही आंसर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 404 415 402 413 ते 400, छेती दसो कितना आ गया 411 421 417 ते 414, ये साडे कोल आंसर ने ऑप्शंस ने, तुसी दसो ठीक केड़ा है, हाँ टाइम दे रहा है मैं, तुहानू पता मैंने चाहिए है टाइम दे रहा है मैं, करो शाबाश चलो करते हैं बेटा क्वेश्चन, देखो 404 415 402 413 ते 400, और ध्यान नाल देखो बेटा, एक नंबर अपने कोल वध रहे है एक घट रहा है, इनके प्लस आ रहे हैं इधर माइनस आ रहे हैं, इधर प्लस आ रहे हैं इधर माइनस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली लास्ट वाला नंबर अपना ऐड होके आना कुछ ना कुछ, और देखते हैं सीरीज क्या होगी, तो 404 जमा 11 कितना हो गया 415 हो गया, क्लियर है, 415 तो जो अपना 13 काट दिया अपने को कितना होगा बेटा 402, 402 च 11 ऐड करने तो बाद 413 होगा, 413 चो जो अपना 13 काट दिए 400 होगा, तो 11 ऐड कर दूंगे तो कितना होगा 411, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा ऑल्टरनेट सम सीरीज का, क्लियर है, तो 411 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलो बेटा देख दिया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कम द सॉरी कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड प्लेस एक्स इन द सीरीज 4 9 25 एक्स, अपाई कर रहे हैं छोटा जा नंबर एक्स,
121, 159, 289 थे, 361 ऑप्शन देते ना बेटा, 81, 36, 64 थे, 49। प्लीज प्लीज करो इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जान लगा दो पूरी। तब प्लीज 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 बेटा देखो अपना टाइम खराब ना करे करो, तुझे एक मिनट भी एक बार जॉब लग जो, रब जी दयानाल बाबा जी दयानाल सब ठीक हो जाऊ, ठीक है। किसी ने माइंड डिस्टर्ब नहीं करना अपना, बी पॉजिटिव साढ़े नाल लगे रहो डेली दे जेड़े फ्री इनिशिएटिव वाले लेक्चर देखो तो फिर मजा भी आऊगा, क्लियर है। चलो बेटा क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखो कितना देता है, 4, 9, 25, x, 121, 169, 289 and 361, क्लियर। चलो देखो बेटा हूँ अपन यह दिखता रहा स्केर है, बट देख रहे कि स्केर है, जब मैं गल करा यह 2 का स्केयर है, आएगा बेटा 3 का स्केयर, आएगा 5 का स्केयर, आ एक्स है अपने को, आ गया 11 का स्केयर, आ गया 13 का स्केयर, आ गया 17 का स्केयर, आ गया 19 का स्केयर, क्लियर है। देखो बेटा 2, 3, 5, 7 इस सारे दे सारे प्राइम नंबर ने, सारे के सारे की ने बेटा प्राइम नंबर ने, मैं गारंटी तो नहीं लेंदा बट डेफिनेटली कहता जेडे अच्छ क्वेश्चन किए ना इन्होंने पैटर्न के एग्जाम से एक अद्धा क्वेश्चन मिल जाना है, कन्फर्म है, मैं गारंटी लेना बट कह सकता एक अद्धा क्वेश्चन इदा के पैटर्न से पक्का मिलेगा बेटा, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये असी अलग अलग पेपर चो छंटे हुए क्वेश्चन है सारे स्टैंडर्ड एग्जाम से, ठीक है। तो 2, 3, 5 के बाद कि आता बेटा 7 का स्केयर यानी कि 49 जेड़ा अपना ऑप्शन नंबर बी है, क्लीयर। तो बेटा ये सी अज के बेहतरीन मजेदार सुपरहिट क्वेश्चन, आप सुपरहिट क्वेश्चन ही कहोंगे इन्हों, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाथ जोड़ के यही बिनती है बेटा, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, समाज से इज्जत पाओ, ठीक है, यही मेरी बिनती है। तो बहुत वधिया करना है, नाम रोशन करना है तो माता पिता, क्लियर है। चलो थैंक यू।